सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 18 नो प्लेस फॉर अस के क्वेश्चन आंसर्स। सो ये पार्ट थ्री है इस चैप्टर का। इससे पहले मैं पार्ट वन और पार्ट टू डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखा था। तो पार्ट वन और पार्ट टू के बाद जो क्वेश्चन हमारे पास बच गए थे, तो उसके लिए यहाँ पर पार्ट थ्री मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसमें हमने उन क्वेश्चन को डिस्कस किया है जिसको पार्ट वन और पार्ट टू में हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 173 पेज के जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम पहले देखते हैं। इससे पीछे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डू यू नो ऑफ एनी फैमिली दैट हैज़ कम टू योर टाउन आफ्टर हैविंग मूव्ड आउट ऑफ देयर प्लेस। क्या आप जो है किसी ऐसी फैमिली को जानते हो जिसको उनके टाउन से जो है मूव करा दिया गया हो। मतलब क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हो जिनको किसी न किसी कारण की वजह से उनके ओरिजिनल जो उनका प्लेस था वहाँ से निकाल दिया गया हो, ठीक है, उनको वहाँ से मूव कराया गया हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसको जो है आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अगर आपने भी इस तरह की सिचुएशन कहीं देखी है तो आप उसको भी लिख सकते हो। येस आई नो फ्यू स्टूडेंट्स इन माई स्कूल हु हैव कम फ्रॉम स्मॉल विलेज ऑफ राजस्थान। हाँ, मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो राजस्थान के एक छोटे से विलेज से आए हुए हैं। दे वर आस्क्ड टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस। मतलब उनको जो है वहाँ से मूव करने के लिए कहा गया था। अब क्यों मूव करना पड़ता है लोगों को, ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था जब हम दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे थे, और हम चैप्टर में भी ये अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। लोगों को मूव कराया क्यों जाता है, लोगों को मूव कराया जाता है अगर कहीं पर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है या कोई दूसरा कोई बड़ा जो है प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कोई डैम बन रहा है वहाँ पर, या वहाँ पर कोई माइनिंग का काम अगर बहुत बड़े स्तर पर करना है, तो उसके लिए जो है गाँव को क्या करना पड़ता है, गाँव को जो है खाली करना पड़ता है, और वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनको जो है मूव कराना पड़ता है वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर तो कोई काम चलेगा, इसलिए उन लोगों को वहाँ से मूव करवा दिया जाता है, माइग्रेट करवा दिया जाता है वहाँ से, है ना। तो ये हमने देख लिया। अब इसकी जगह अगर आपने किसी दूसरी फैमिली को देखा है जो कहीं और से आई हो, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। नाउ सेकंड देखिए क्या है, फ्रॉम वेयर हैव दे कम, वो कहाँ से आए हैं। मतलब जिस फैमिली को आप जानते हो ना जिनको मूव करवाया गया है, वो कहाँ से आए थे। हालांकि पहले क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस कर लिया, वही क्वेश्चन है तोड़ मरोड़ को दिया हुआ। वाई डिड दे हैव कम हेयर, मतलब वो यहाँ पर क्यों आए हैं। पहला आपको पूछा है कि वो आए कहाँ से, और दूसरा आपको पूछा है कि वो यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है, दे हैव कम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ राजस्थान। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा, वो राजस्थान के छोटे से विलेज में आए हैं, ठीक है। दे वर आस्क्ड टू लीव दैट प्लेस बाय द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट वॉन्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ बिग फैक्ट्री देयर। अब उनको जो है गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ से माइग्रेट करवाया गया है, मतलब उनको गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ से दूसरी जगह जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगनी थी गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब एक बहुत बड़ी फैक्ट्री वहाँ पर बननी थी उनके गाँव में, इसलिए उनको वहाँ से माइग्रेट करवाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लीव इन हेयर देयर, हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर टू द ओल्ड वन। मतलब वट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लीव इन देयर, मतलब वहाँ पर उनका जीवन स्तर कैसा था जब वो अपने पुराने गांव में रहते थे, और जो यहाँ पर उनका जीवन है, मतलब जो हमारे इलाके में जब वो आए हुए हैं, तो तब उनका जीवन स्तर कैसा है, मतलब उनमें डिफरेंस क्या है, पहले के जीवन में और आज के जीवन में उनके डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर देखो क्या है, दे लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल पीसफुल एंड सिंपल। मतलब जो राजस्थान से जो लोग आए हैं उनका जो पुराना गांव था वो बहुत अच्छा था, वेरी ब्यूटिफुल पीसफुल था, मतलब वहाँ पर शांति थी, ठीक है, और सिंपल था, मतलब बहुत सिंपल लोग थे वहाँ पर, और गाँव भी बहुत सिंपल था, ठीक है। देयर वर फार्म हाउस इन विच दे यूज टू सो द क्रॉप्स। इसको आप सिंप्लिसिटी के लिए इस तरह से लिख सकते हो, देयर वर इसकी जगह आपने लिखना है, यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ पर आपने लिखना है देयर वर लार्ज फील्ड्स, देयर वर लार्ज फील्ड, ऐसा आपको लिखना है। इसको आपने काट देना है पहले, दे वर फार्म हाउसेज इसको काट देना है, इसकी जगह आपने लिखना है देयर वर लार्ज फील्ड्स, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है, ये लिख लिया जब देयर वर लार्ज फील्ड, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। देयर वर लार्ज फील्ड मतलब उनके गाँव में क्या था, बहुत बड़े बड़े खेत थे, ठीक है। इन विच, यहाँ पर वो क्या करते थे, इन विच दे यूज, उसके बाद आपको यहाँ से आगे लिखना है इन विच दे यूज टू सो द क्रॉप्स, जहाँ पर वो जो है फसलों को जो है बोने का काम करते थे। द एनवायरमेंट वॉज फ्री ऑफ पॉल्यूशन, मतलब उनका जो पहले का गाँव था वहाँ पर जो है एनवायरमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन था, मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था उस गाँव में, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, बट द न्यू प्लेस इज़ वेरी क्राउडेड, मतलब उनका जो नया प्लेस है ना जहाँ वो अभी आए हैं वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, ठीक है। देयर इज़ ग्रेट रश ऑन द रोड्स, रोड पर जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। देयर इज़ ग्रेट रश ऑफ बसेस कार्स एंड ट्रक्स, मतलब रश किस चीज़ की होती है रोड के ऊपर, तो बस ट्रक और कार इनकी जो है भीड़ लगी रहती है। द स्मोक कमिंग आउट ऑफ दीज व्हीकल पॉल्यूट द एयर, मतलब इनसे इन व्हीकल से, व्हीकल मतलब जो वाहन होते हैं उनको कहते हैं व्हीकल, किसी भी तरह की गाड़ी, ट्रक बस मोटरसाइकिल जो भी चल रहा है उसको हम व्हीकल कह देते हैं, ठीक है। ऑफ दीज व्हीकल पॉल्यूट द एयर, इनसे निकलने वाला जो धुआं होता है ना वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है, ठीक है, मतलब बुरा प्रभाव, वायु प्रदूषण होता है उससे। एवरीथिंग इज कॉस्टियर हेयर, मतलब यहाँ पर जो है सब कुछ जो है महंगा है। दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव हेयर, उनको जो है यहाँ पर जीवित रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, मतलब सर्वाइव करना, खुद को सस्टेन करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है। पुराने उस विलेज की कंपैरिजन में यहाँ पर उनको महंगाई काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि पुराने जो उनका पुराना वाला जो गाँव था उसमें उनके पास खुद का घर था, ठीक है, वाटर के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, फूड वो खुद उगाते थे, लेकिन यहाँ पर उनको जो है हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते हैं, वाटर के लिए भी यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इज देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हेयर इन व्हाट वेज, अब जो उनकी लैंग्वेज है और जो उनके जीने का तरीका है वो जो ओरिजिनल पीपल है यहाँ के, ठीक है, उससे किस तरह से अलग है, इन व्हाट वेज, मतलब किस किस तरीके से जो है अलग है। इज़ देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग एनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हेयर, मतलब अभी ये वो हमारे एरिया में आए हैं ना वो, तो उनकी जो लैंग्वेज है और उनके जो जीने का तरीका है क्या हमारी लैंग्वेज और हमारे लाइफस्टाइल से थोड़ा अलग है, किस तरीके से अलग है वो आपको बताना है। येस देयर लैंग्वेज एंड वे ऑफ लिविंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दिस प्लेस, मतलब हमारा जो ये प्लेस है इससे जो है बहुत अलग है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है और उनके जीने का तरीका भी अलग है, लाइफस्टाइल भी उनका बिल्कुल ही अलग है। दे यूज टू स्पीक इन राजस्थानी लैंग्वेज एंड देयर वे ऑफ टॉकिंग इन हिंदी इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट, सबसे पहले तो क्या वो जो है राजस्थानी का यूज़ करते हैं क्योंकि वो राजस्थान से आए हैं, ठीक है, तो वो जो है ज़्यादातर राजस्थानी का यूज़ करते हैं, और जब वो हिंदी कहते भी है तो उनकी हिंदी थोड़ी और सी लगती है, मतलब और सी लगती है उनकी हिंदी। दे यूज़ टू वियर सिंपल क्लोथ्स, धोती कुर्ता एंड पगड़ी, वो जो है सिंपल क्लोथ्स पहनते हैं, धोती कुर्ता और पगड़ी। वुमन वियर घाघरा चोली, बट इन द सिटी मैन वियर शर्ट एंड पैंट्स एंड वुमन वियर सूट साड़ीज एंड स्कर्ट्स एट्सेट्रा, मतलब उनका जो ट्रेडिशनल जो उनके क्लोथ्स थे वो क्या थे, धोती कुर्ता और पगड़ी थे, जबकि लड़कियाँ जो है घाघरा चोली पहनते थे। ऑन द अदर हैंड जो शहरों के लोग होते हैं वो इस तरह की कोई चीज़ें नहीं पहनते, वो तो शर्ट पैंट पहनेंगे, और जो है लड़कियां जो है साड़ी स्कर्ट्स और सूट एट्सेट्रा जो है पहनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, लर्न मोर वर्ड्स ऑफ देयर लैंग्वेज, यहां पर देखो उनके राजस्थानी में कुछ वर्ड है और उनके मीनिंग यहां पर बताए हुए हैं, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हैव यू एवर रीड और हर्ड ऑफ अ सिटी स्लम बींग रिमूव्ड, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, क्या आपने कभी सुना है कि ये कोई सिटी या कोई टाउन या कोई गांव कहीं किसी जगह से जो है वहां के लोगों को रिमूव कर दिया गया हो, हाउ डू यू फील अबाउट दिस, आपको जो है कैसा लगा जब आपने ये जो है ये सब कुछ सुना। अब आपको पता होगा जब भी कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लगता है या कोई बड़ी फैक्ट्री बनती है कहीं पर या कोई कुछ किसी भी दूसरे तरह का बड़ा प्रोजेक्ट लगता है, तो जैसा कि मैंने कहा कि लोगों को रिमूव कर दिया जाता है, तो आए दिन हम इस तरह की कई खबरें जो है न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, ठीक है। तो क्या आपने ऐसी खबर कोई सुनी है या कोई ऐसी न्यूज़ आपने पढ़ी है, ठीक है, आपको कैसा लगा ये न्यूज़ सुनने के बाद। येस आई हैव हर्ड अबाउट अ स्लम दैट वॉज रिमूव फ्रॉम नियर द स्टेशन, स्लम का मतलब होता है गली, जो काफ़ी गलियाँ होती जैसे बहुत क्राउडेड गलियाँ होती उनको कहते हैं स्लम जम, ठीक है। नियर द स्टेशन मतलब स्टेशन के करीब जो स्लम थी उसको जो है रिमूव किया गया। द पीपल लिविंग देयर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज एज दे वर ऑर्डर टू वेकेट द एरिया इमिडिएटली, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ी क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना उनको गवर्नमेंट ने इमिडिएटली बोल दिया, मतलब एकदम से बोल दिया कि आपको ये जगह जो है क्या करनी पड़ेगी, खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो लोग घबरा गए, हम जाएंगे कहाँ अब, ठीक है। आई फेल्ट वेरी पिटी फॉर देम, मतलब मुझे जो है उन पर काफ़ी दया आई, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, लर्न सम वर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड राइट इन, ये तो मैंने कर दिया आपको। डू यू नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक व्हाट, यहाँ पर देखते हैं हम इसको। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखो क्या बोला गया है, डू दे नो हाउ टू मेक सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट मेक, मतलब जो राजस्थान से जो लोग आए ना मेरे एरिया में, क्या उनको कुछ ऐसी चीज़ आती है जो मुझे नहीं आती, ठीक है। तो वो यहाँ पर पूछा है व्हाट, मतलब ऐसी कोई चीज़ है तो क्या है, तो हाँ ऐसी चीज़ है, तो हम क्या लिखेंगे, येस दे नो टू मेक समथिंग विच आई डोंट नो, हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे वो क्या क्या बना सकते हैं, यहाँ पर देखो मकेरू, अर्थन पॉट्स, बकेट्स ऑफ बम्बो एट्सेट्रा, यहाँ पर देखो कई ऐसी चीज़ें हैं जो वो राजस्थानी लोग बना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं बनानी आती, मैं नहीं बना सकता ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है तो इसको आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट देखो क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास बच जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर कुछ एमसीक्यू है तो इन एमसीक्यू को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जत्रा भाईज डॉटर, जो जत्रा भाईज की डॉटर थी उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर देख लो, राजी, चिन्नी, गौरी, झिमली, तो उसका नाम था झिमली, तो इस पर हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, फ्रॉम विच विलेज जत्राज फैमिली कम टू मुंबई। अब देखो जत्रा की जो फैमिली थी वो मुंबई कहाँ से आई थी, तो यहाँ पर देखो क्या है, डुंगरी, सिक्का, नन ऑफ द सिंदूरी, हाँ सिंदूरी विलेज आए थे। लेकिन आपको याद रखना है ओरिजिनल प्लेस कहाँ था उनका, ओरिजिनल गांव था खेड़ी। अब खेड़ी में जब डैम बना था तो उनको कहाँ जाना पड़ा था, सिंदूरी, ठीक है। सिंदूरी बहुत ख़राब था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था, और सिंदूरी से फिर कहाँ गए थे वो, मुंबई को। तो हम यहाँ पर पूछा गया कि मुंबई कहाँ से आए थे वो, तो मुंबई सीधे खेड़ी से थोड़ी आए थे, खेड़ी से तो पहले वो सिंदूरी गए थे, इसलिए सिंदूरी से मुंबई गए थे, तो सिंदूरी पर हम टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ खोली, अब खोली किसको कहते हैं हम, यहाँ पर देख लो, सिंगल रूम टू लीव, मतलब सिंगल रूम जो रहने के लिए होता है, होटल, स्टेशन, नन ऑफ द अबव, इसको हम कहते हैं खोली, सिंगल रूम टू लीव। अब जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में जब हम जाते हैं, जहाँ पर स्लम एरिया होते हैं, तो वहाँ पर जो है लोग खोली में रहते हैं, खोली मतलब ये छोटा सा कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब लोग यहाँ काफ़ी क्राउडेड रहते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा भीड़ में जो है लोगों को रहना पड़ता है, एक कंपार्टमेंट के अंदर 10-10, 15-15 लोग जो है ठूसे रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन एरियाज़ को, ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, इनको कहते हैं खोली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर ट्रू फॉल्स देखिए क्या है, मदर, फादर एंड अदर एल्डर्स वर हैप्पी टू लीव द विलेज, जो वहाँ पर जो खेड़ी विलेज में जो मदर, फादर और जो विलेजेस है ना, उनको काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही थी जब उन्होंने, जब उनको जो है अपने गांव से जो है जाना पड़ रहा था। तो क्या ये ट्रू है, ये बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लग रहा था जब वो अपने ओरिजिनल प्लेस, मतलब जो ओरिजिनल जो उनका विलेज था, वहाँ से जा रहे थे, ठीक है। सेकेंड क्या है हमारे पास, देखो, जत्रा वॉज ट्राइड ड्यू टू ब्राइट सनशाइन एंड हॉट एयर, जत्रा वॉज टायर्ड ड्यू टू ब्राइट सनशाइन एंड हॉट एयर। अब देखो जत्रा जो है काफ़ी ज़्यादा थक गया था, ब्राइट सनशाइन मतलब जो सीधी धूप उसके ऊपर पड़ रही थी और जो हॉट एयर उठ रही थी वहाँ पर सिंदूरी विलेज में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा थक गया था वो। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है, क्योंकि जब वो रोड से जा रहा था वहाँ पर देखो, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया था वो, क्योंकि उसके ऊपर बिल्कुल ज़्यादा धूप पड़ रही थी और जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म हवाएं भी वहाँ पर उठ रही थी, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, तीसरा देखो, जत्रा भाई स्टार्टेड आर रिपेयर द कट फिश नेट्स। अब देखो कटफिश के जो नेट्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम जो है उसने स्टार्ट किया था मुंबई के अंदर। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये भी ट्रू है, क्योंकि मुंबई के अंदर क्या किया था उसने, जो मछली फेंकने का जो जाल होता है ना, उसकी रिपेयरिंग का काम करता था वो मुंबई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जत्रा वॉज बॉर्न इन खेड़ी विलेज, जत्रा जो है खेड़ी विलेज में उसका बॉर्न हुआ था, मतलब वो पैदा हुआ था खेड़ी विलेज में। क्या ये ट्रू है, जी हाँ ये ट्रू है, क्योंकि हमें पता है जो खेड़ी विलेज था वहाँ पर वो पैदा हुआ था, वहाँ से गया था सिंदूरी, सिंदूरी से कहाँ गया था, मुंबई गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो अब यहाँ पर मैच करने को है हमारे पास, देखो जत्रा, जत्रा क्या है, अब जत्रा को किससे हम ऐड करेंगे, जत्रा को हम ऐड करेंगे सिंदूरी विलेज के साथ, क्योंकि जत्रा जो है सिंदूरी विलेज में गया था, ठीक है। खेड़ी विलेज, अब खेड़ी विलेज क्या है, खेड़ी विलेज में डैम बना था ना वहाँ पर डैम, इसलिए इसको खेड़ी विलेज को यहाँ पर डैम के साथ कनेक्ट करेंगे। और जत्रा की डॉटर थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था झिमली, तो इसको हम इसके साथ जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स है, देयर वॉज नो ब्लैंक गिविंग ट्रीज ऑन द रोड, देयर वॉज नो तो यहाँ पर आएगा खेड़ी आपका, देयर वॉज नो खेड़ी मतलब वहाँ पर कोई भी खेड़ी नहीं था जो क्या कर सके, गिविंग ट्रीज ऑन द रोड, मतलब जहाँ पर खेड़ी विलेज में क्या था वहाँ पर तो ट्रीज ही ट्रीज है ना हर जगह, लेकिन जो सिंदूरी विलेज था वहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक भी ट्री नहीं था, बिल्कुल सीधी धूप पड़ती थी सिर के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है खेड़ी की तरह कुछ भी ऐसा नहीं था जहाँ पर ट्री हो सके, ठीक है। ट्री की वजह से उसको क्या मिलती थी, शैडो मिलती थी। नेक्स्ट वो क्या है, अ बिग ब्लैंक देयर वॉज नो, अच्छा पहला बच गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पर देखो पहला हमारे पास ये बच गया, शेड गिविंग ट्री, ये यहाँ पर थोड़ा सा ये हो गया था, जत्रा वॉज बॉर्न इन ब्लैंक विलेज, तो यहाँ पर किस विलेज में हुआ था वो, तो यहाँ पर आएगा खेड़ी विलेज, इन खेड़ी विलेज, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। सेकंड देखो यहाँ पर, देयर वॉज नो ब्लैंक गिविंग ट्री ऑन द रोड, तो यहाँ पर क्या आएगा, शेड, शेड का मतलब क्या होता है, छाया, मतलब वहाँ पर किसी भी तरह की छाया देने वाला कोई ट्री नहीं था रोड के किनारे। अब छाया देने वाला रहने दीजिए, वहाँ पर प्लांट ही नहीं थे, मतलब बिल्कुल ही जो छोटे छोटे प्लांट थे सिर्फ वही थे, बड़े प्लांट एक भी नहीं था वहाँ पर सिंदूरी विलेज में, है ना। तो ये बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ कन्फ्यूज हो गया था थोड़ा मैं। नेक्स्ट थर्ड में आ जाओ, अ बिग ब्लैंक वॉज गोइंग टू बी बुलेट ऑन द रिवर, अब देखो क्या बना था, बहुत बड़ा क्या बना था नदी के ऊपर, तो यहाँ पर क्या बना था, डैम बना था, तो यहाँ पर क्या आएगा, डैम, ठीक है। अ बिग डैम वॉज गोइंग टू बुलेट ऑन द रिवर, मतलब यहाँ पर डैम बना, ठीक है।
नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ़ यू गॉट अ चांस टू मीट अ माइग्रेंट पर्सन व्हाट क्वेश्चन डू यू आस्क टू हिम। अगर आप किसी माइग्रेंट से मिलोगे ना, माइग्रेंट मतलब कोई जहाँ कोई मान लो अपने ओरिजिनल प्लेस से किसी को भगा दिया गया हो और वो किसी दूसरे प्लेस पर रह रहा हो, उसको कहते हैं माइग्रेंट। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे माइग्रेंट से मिलते हो तो आप जो है उसके साथ क्या क्वेश्चन आप पूछते हैं, अगर आपको मिलता तो आप क्या पूछते हो उससे। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट मैं क्या पूछता उससे, व्हाई डिड यू फेल्ट लेफ्ट योर होम, मतलब आपने अपने घर को क्यों छोड़ा। पहला क्वेश्चन तो मैं उसको यही पूछता जो माइग्रेंट होता। ठीक है, दूसरा क्या है, Which problem you faced during that time, मतलब कौन कौन सी जो problems है उसको फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, इस समय जब वो उसने अपने place को छोड़ा तो कौन कौन सी difficulties उसको जो है फेस करनी पड़ी। Next क्या है, Do you earn enough to run your family needs, क्या आप इतना कमा लेते हो कि आपके जो family है उसका जो है गुजारा हो सके। ठीक है, तो ये question मैं उनसे ज़रूर पूछता। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 18 आज कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 के बाद जो क्वेश्चन बच गए थे उसको हमने यहाँ पर सारा डिस्कस कर लिया है। नाउ इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 को, तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।